मिस यूनिवर्स बनी है हमास संधू, हमास संधू। आज जब आप लोग यहाँ पर आए हैं लखनऊ में, ये देश की राजधानी है, ये देश की राजधानी है। अस्पताल बनवाए उसमें बीजेपी वालों की भी पड़ती है, कांग्रेस वालों की भी पड़ती है। अस्पताल बनवाए उसमें बीजेपी वालों की भी पड़ती है, कांग्रेस वालों की भी पड़ती है। इंदौर शहर में भी लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगने चाहिए। इंदौर शहर में भी लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगने चाहिए। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मैच को हराया कि जिससे देश में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी पैदा हो। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। जवाब नहीं बनता है तो विपक्ष ये कर रही है, विपक्ष वो कर रही है। अरे भाई करोड़ों लोग, पूरी जनसंख्या जितना है, सवाल 100 कितना करोड़, 20,000 करोड़ लोग जो हैं देश में, वो सब तबाह हैं कि नहीं है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं लॉकडाउन हे सायन्स असेल तर लॉकडाउन उघडणं ही एक कला आहे किंवा आर्ट आहे? कसं काय उघडतोय आपण? हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। पागल है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। नहीं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप सभी से आग्रह कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नवंबर को एग्रीकल्चरल मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये गड़बड़ है बाबा। और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है।